इस कार्यक्रम में हम छोटा सा एक पंप बनाएंगे, बहुत सरल सा पंप बनाएंगे, और ये पंप बना है एक पुराने टूथपेस्ट के ट्यूब का। अक्सर हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और जब इसका ट्यूब खत्म होता है तो ट्यूब को बगैर सोचे फेंक देते हैं। इसमें हमने क्या करा है कि पुराना टूथपेस्ट का ट्यूब था उसको थोड़ा सा हमने काटा, करीब 2 इंच छोड़ करके इसको काट दिया। तो पहली बात तो हमको ये दिखाई देती है कि भाई हमने तो सोचा था इसमें टूथपेस्ट मंजन खत्म हो गया, पर अगर कभी हम इसको काट के देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारा मंजन अभी भी चिपका हुआ है। तो पहली तो खोज ये है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका मंजन तो खैर इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और बाद में जहाँ पर ढक्कन रहता है इसका, ये ढक्कन यहाँ चूड़ियाँ हैं जहाँ पर ढक्कन होता है, तो वहाँ पर हम एक गुब्बारा लगाते हैं। एक गुब्बारा लगाया हमने और उस एक गुब्बारे को लगाया और उस गुब्बारे को हम कैंची से लेकर के कैंची से काट देते हैं गुब्बारे को। अब ये देखिए, अगर इधर से इस तरफ से फूकेंगे हम, इधर से फूकूंगा मैं, तो इसमें से हवा बाहर जाएगी, बहुत तेजी से हवा बाहर जाएगी। हम इसको गौर से देखेंगे, अगर इसको फूकेंगे तो इसमें से हवा बाहर जाएगी और इसका मुंह फड़फड़ाएगा। पर इसमें क्या मैं अंदर की ओर सांस खींच सकता हूं? अगर मैं इसमें अंदर की ओर सांस खींचूंगा तो क्या होगा, इस गुब्बारे का मुंह एकदम बंद हो जाएगा। इसको आप थोड़ा गौर से देखिए, मैं अंदर सांस खींचूंगा, इसको हम एक बार फिर देखेंगे, बाहर फूकूंगा तो हवा बाहर जा रही है, पर अगर अंदर सांस खींचूंगा तो एकदम इसका मुंह बंद हो जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल एक वाल्व जैसा काम करता है, एक ट्रैफिक लाइट जैसा। ये ग्रीन लाइट हो गई और ये रेड लाइट हो गई, ये हो गया गो और ये हो गया स्टॉप। अब इस सरल पंप में एक काम और करना है कि हमने इसका जो दूसरा हिस्सा है ट्यूब का, ये टूथपेस्ट ट्यूब का, इसमें एक छेद बनाते हैं। किसी भी नोकदार चीज से, कोई मोटी कील ले सकते हैं या एक ये सूजा है, सूजे से हमने छेद बनाया और इसमें एक प्लास्टिक की नली, एक कोई प्लास्टिक की नली जो है इसके अंदर डाल देते, बस इतना काम करना पड़ता। और हमने एक बात यह भी देखी कि ये जो ट्यूब जो है इसकी मोटाई तो बिल्कुल एक बराबर मोटाई है, इसकी चौड़ाई एक बराबर है, और यहां पर आकर के इसको चिपका देते हैं, इसको चपटा कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, इसको लेकर के उल्टा ट्यूब को ट्यूब में ही डाल देते, यानी कि गुब्बारे वाला हिस्सा जो है वो ट्यूब के अंदर चला जाता है। और हमको ये तो मालूम है कि हवा या पानी इसी दिशा में जाता है, यही जाने वाली दिशा है, और ऊपर से नीचे तो आ नहीं सकता, तो इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये हमारा छोटा सा पंप बन गया। अगर इसको किसी भी पानी के बड़े पानी के ग्लास में, हम यहां पर पानी रखते हैं, और इसको अगर पंप को पानी में डालेंगे, पानी में अंदर तेजी से डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पानी घुसेगा, और जो पानी इसके पेट में गया है वो पानी तो नीचे आ नहीं सकता क्योंकि इसमें एक गुब्बारे का वाल्व लगा है। तो हर बार इसको डाउन स्ट्रोक में, हर बार जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, इसके पेट में थोड़ा सा पानी और जाएगा। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो इसके पेट में पानी बढ़ता जाएगा और बाहर इस नली में से बाहर निकलेगा। अब इसको हम बहुत स्पष्ट रूप से पंप को चला करके देख सकते हैं, इसमें से पानी की एक धार बाहर आ रही है। इस पंप की सरलता यह है कि इसको बनाने में अब इसमें डब्बे में ही पानी खत्म हो गया, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और एक बार इसको दोबारा चला के देखेंगे। ये देखिए, अब इस टूथपेस्ट का जो हमारा पंप है, इसको अगर पानी के ग्लास में रख करके ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें से एक पानी की लगातार धार बाहर की ओर निकलेगी। अभी बहुत ही सरल सा पंप है, इसको मैं आपको खोल के दोबारा दिखा रहा हूं। एक पुराना टूथपेस्ट का ट्यूब, उसको काटते हैं, जहां पर ढक्कन होता है वहां पर एक गुब्बारा लगाते हैं, वो गुब्बारे को काट देते हैं और इसमें एक छेद करके एक नली लगा देते हैं। उसके बाद में
गुब्बारे वाले हिस्से को इस टूथपेस्ट के पेट में इस तरह से डाल देते हैं। अब यानी कि पानी इसमें अब नीचे से ऊपर को ही जाएगा, इसी दिशा में वेल्व काम करेगा। तो इसको किसी भी ग्लास में रख करके अगर ऊपर नीचे करके ऊपर नीचे करेंगे तो ट्यूब के पेट में पानी चढ़ेगा और पानी बाहर निकलेगा। ये इतना सरल सा पंप है कि कोई भी प्राथमिक शाला का बच्चा, प्राइमरी स्कूल का बच्चा ट्यूब को फेंकने की बजाय, टूथपेस्ट को ट्यूब को फेंकने की बजाय एक छोटा सा पंप बना सकता है और पंप से पानी निकलने का आनंद ले सकता है।